साल से जाता हूँ। हम पहली बार एक कॉफी शॉप पे जब मिले, मुझे ये बंदा बहुत समझ में आया, क्योंकि ये सोशल कॉज पे अवार्ड परफॉर्म करते। मेरा जो कॉज है, मैं यूथ के साथ काम करता हूँ, म्यूजिक के थ्रू उनको उनके जो भी मेंटल इश्यूज है, बड़ा डरावना शब्द मेंटल इशू, फिर लोग बोलते हैं कि आप पागल का पागल के डॉक्टर के पास जाओगे, ऐसा स्टिग्मा है दोस्तों। तो उन्होंने समझा कि मैं एक काउंसलर हूँ, बच्चे आते हैं, बात करते, अपना दिल खोल के बात करते हैं, और ये सोशल कॉज उसने अवार्ड में और आज जैसे पैनल डिस्कशन हुआ, हमने और जोर दिया इस मैटर को। तो सब लोग जा रहे हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी हो रहा है लोगों को, मेंटल मैं इलनेस नहीं कहूँगा, डिसकम्फर्ट को। तो प्लीज स्टैंड अप, वर्क टूवर्ड्स योर मेंटल हेल्थ, यही मेरा मैसेज। थैंक यू। सबसे पहले तो मीडिया को थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि हमें लोगों के दिलों तक सबसे पहले आप ही पहुंचाते हैं, बाद में हमारा काम हमें वहां तक लेके जाता है, और इसके बाद डिसाइड होता है कि हमें पसंद किया पब्लिक ने या नहीं किया, बट सबसे पहले आप हमें लोगों के दिल में बसाते हैं। तो ये काम, मतलब मुझे जो अवार्ड मिल रहा है इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स टू माय ऑडियंस, थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर लव। और हाँ जी पैपी काइंड ऑफ सॉन्ग, और मतलब आप सुनेंगे इसको तो बहुत मजा आएगा, थोड़ा जॉली टाइप का सॉन्ग है। मतलब अगर आपको लड़की धोखा दे दे, या भी किसी लड़की को कोई लड़का धोखा दे दे, तो मतलब उस सिचुएशन में बंदे को क्या करना चाहिए, तो ये उस टाइप का थोड़ा सा एक गाइडेंस है पब्लिक को। आई होप आप सबको पसंद आएगा। मेरे गाने को देखिए, प्यार दीजिए और आपका सपोर्ट दीजिए। हाँ, मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट मैंने अभी कल ही रिकॉर्ड किया है, एक बहुत ही प्यारा और मतलब बहुत टची सॉन्ग है, आई होप आप सबको पसंद आएगा। इसका टाइटल है हसरत, और जो हमारे एक्टर हैं, जो हमारे लिरिसिस्ट हैं, वो बात कमाल है, और आई होप आप उनकी एक्टिंग और उनकी राइटिंग से मतलब काफ़ी मुतासिर होंगे, काफ़ी मतलब आपको पसंद आने वाली है, जैसा मुझे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। और अभी मुझे भारत नेशनल अवार्ड 2024 से अप्रिशिएट किया गया है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस अवार्ड। मुझे ये अवार्ड जो है, ये बेस्ट योगा टीचर की कैटेगरी में मिला है। सो आई एम थैंकफुल टू मिली किड्स प्रायोरिटाइज फॉर दिस, बिकॉज नीता बुजारी मैम वॉज वन ऑफ द teachers who appreciated another teacher, and she just told me about this, and I was very excited for this, and I'm thankful to her for the same. So good evening everyone, myself Sana Salma Sayed, I have been awarded as Bharat National Award in student and teachers category. I have been nominated for this award just for, as I have completed my phonics, ECCA and drama course from Nita Pujari ma'am. I am really, really thankful to her. Because of her, I am sitting here and receiving this award. I am really, really thankful to my parents, my brother and my husband, who supported me throughout my career. So this award I dedicate to Nita ma'am. Because of her, I am here. This award has been given to me for the students category, which I work for them in various fields like phonics, grammar, handwriting, brush pen, calligraphy courses, where I make them at in some times where they are not willing to do something, at that time I help them to do it. So that's why this award has been given to me. I am very thankful for it, and thank you so much. Which my concert? हाँ जी, फर्स्ट फिल्म मेकर, फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर।
मैं गुरुग्राम में रहती हूँ, दिल्ली NCR में। आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। और मैं 5 से 6 साल पहले मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बिस्लिंगवुड से करी, तो वहाँ से मैंने डायरेक्शन का कोर्स किया और उसके बाद फिर मैंने मुंबई को ही अपना लिया, तो अब मैं यहाँ पे बेस्ड हूँ। आज जो नॉमिनेट हुआ था, जो अवार्ड मिला है, इसमें बेस्ट सिंगर्स का अवार्ड है ये। अभी मेरा बहुत जल्द एक बड़ा एल्बम आने वाला है सुदेश भोसले जी के साथ, जिसका टाइटल है देवा देवा शंकरा। और सबसे बड़ी बात है कि ये इंडस्ट्रीज का पहला सॉन्ग होगा ऑल इंडिया का जो 100% VFX है। मतलब वो VFX है इसमें जो पूरा एक फिल्म में खर्चा लगता है, इस गाने में खर्चा लगा है। तो नेक्स्ट मंथ तक वो रिलीज होना है, देवा देवा शंकरा, आप लोग जरूर देखिएगा। और मैं इस पूरी जीरो को थैंक्स करना चाहता हूँ, आप सब मीडिया मित्रों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों के बिना कोई संभव नहीं है। तो थैंक्स आज के लिए, सवार्ड के लिए, पूरी जीरी को, विकास सर को, सभी लोगों को मैं थैंक्स करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम अभिषेक निगम है और मैं एक माइनिंग कंसल्टेंट हूँ। मैं कुछ कंपनीज के लिए जो काम करता हूँ उनके लिए CSR के मद में जो पैसा आता है उसको मैं एजुकेशन में, अदर फील्ड में मैं उसको लगवाता हूँ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एजुकेशन को लेकर के, गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर के लगभग 900 बुक्स हम लोगों ने डोनेटेड की है और अभी हम करियर काउंसलिंग का काम भी करा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बड़े शहरों में तो मिल जाती है लेकिन छोटे छोटे गाँव में नहीं पहुँच पाती है। तो मैं बेसिक फोकस जो है मेरा उन्हीं सब चीज़ों में। साथ के साथ हमने कुछ मंदिरों का भी निर्माण कराया है, कुछ मस्जिदों का भी निर्माण कराया है, कुछ हम लोगों ने श्मशान घाट के लिए जो जहाँ पे जलाते हैं वहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती है उसके लिए भी हमने काम किया है। और अभी हम वहाँ पे करीबन 1500 से 2000 बच्चों के लिए अभी हम वहाँ पे करियर काउंसलिंग की व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे उनको हम करियर काउंसलिंग दिलवा सके और वो बड़े शहरों में जा करके जॉब्स कर सके। हाँ बिल्कुल। हाँ ये मेरी बेटी, मुझे अवार्ड मिला है, मेरी बेटी है, बड़ी बेटी, छोटी बेटी मेरे पिताजी। कोई भी पिता उसका बच्चा यदि आगे बढ़ता प्रगत करता है तो गर्व महसूस करना स्वाभाविक है। आज मैं इनके नाम से पहचाना जाऊँगा कि हाँ इनके पिता है। मैं बस यही कहता हूँ इसी तरह से उन्नत करते रहें, देश की सेवा करते रहें। थैंक यू। सबको बहुत बहुत थैंक यू इतने प्यारे सपोर्ट के लिए। पापा को जो प्यारे सपोर्ट मिला उसके लिए साथ में आगे बढ़ पा रही हूँ उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये ईजी नहीं था पापा के बिना इतने महीनों महीनों अकेले रहना, ये ईजी नहीं होता है, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू सबको। थैंक यू। नाम क्या बोलो? मेरा नाम अल्ताफ दादा साहब शेख है और ये मेरी जो फिल्म है कर्मयोगी आपा साहेब, जो स्वर्गीय भाई गणपतराव देशमुख इनकी बायोपिक है, 25 अक्टूबर को रिलीज हुई है वर्ल्ड वाइड। वो फिल्म को अवार्ड मिला। जो ये फिल्म बनी है जिनके ऊपर फिल्म है भाई गणपतराव देशमुख, वो महाराष्ट्र के सांगोला मतदार संघ से आते थे। जो वो थे वो 11 बार MLA बने थे, 11 बार, और 2 बार कैबिनेट मंत्री थे, उनकी बायोपिक है। और 11 बार जो इलेक्शन जीता उन्होंने एक ही पार्टी से जीता और एक ही मतदार संघ से जीता, शेतकरी कामगार पार्टी है वो पार्टी से जीता। और उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड है कि दुनिया में ऐसा कोई भी MLA आज तक नहीं हुआ है जो 11 बार MLA बना है, और अभी तक एक ही भाई गणपतराव देशमुख है वो 11 बार MLA। और हमारा फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट ने रिलीज किया था 25 अक्टूबर को थिएटर में आया। मैसेल्फ भूषण पवार, आई एम रिप्रेजेंटिंग माय ट्रस्ट भूषण प्रतिष्ठान एंड आई थैंक्स मिस्टर विक्रांत मोरे for awarding me such a prestigious award, and I'm in the category of social service. I got my own NGO. We have got a team of almost 40 to 50 volunteers
last month in memory of my mother, on 17th of October, we have handed over one school, classroom for 12th standard students at Pratapgarh near Mahabaleshwar. It's all from an underprivileged group, and we also contribute towards sweet distributions during Diwali time, special Maharashtrian traditional sweets to the underprivileged Adivasis and villagers. In this journey, I got the blessings of my parents and all friends and well-wishers who are helping me and supporting me in this noble cause. कॉमेडी गाना है और ये एंटरटेन करने वाला गाना है कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए तो आप ब्रेकअप के बाद सैड ना होना, डिप्रेशन में मत जाना, सुसाइड मत करना, आप जो है एंटरटेन करना कि ठीक है चलो लेट इट गो करके लाइफ मूव ऑन करो, क्योंकि आप 24 में जी रहा है. सो इस टाइम ये टाइम नहीं है कि आपका ब्रेकअप हो जाए तो आप डिप्रेशन में चला जाओ और आप सुसाइड कर लो या नेगेटिव इस तरह की चीज़ें कर लो, क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा आज के डेट में कॉम्प्लिकेटेड है बाकी और चीज़ों से. और इन चीज़ों को भी आप ये मत करो क्योंकि इन सब चीज़ों में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, मतलब लाइक आप ऐसी चीज़ों से बाहर लेने के लिए आप दो दो साल ख़त्म कर लेते हो. तो मैंने सोचा कि यार ये गाना एंटरटेन के पर्पज़ से करा जाए ताकि लोग अगर सोचे कि चलो ठीक है ब्रेकअप भी हो तो थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली लेके और हम अपने लाइफ को आसान कर सकें. तो सॉरी चैलेंजिंग, हाँ मतलब चैलेंजिंग इसलिए रहा बिकॉज हम जब शूट कर रहे थे तो बारिश का टाइम था और हमें एक दिन में काम करना होता है और ये कोई भी गाना शूट करना मतलब बहुत टफ होता है कि चार आर्टिस्ट के साथ और चारों के टाइमिंग प्रॉपर सेट करना और ऊपर से बारिश हो. तो हम इस सब चीज़ों के से मतलब कर चुके थे, लाइक हमें एक घंटा ज़्यादा करना पड़ा शूट. तो ये चैलेंजिंग सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो डॉग था वहाँ पर वो उससे एक्टिंग करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, तो सर ने उस डॉग से एक्टिंग करवाई है. अब अगर आप गाना देखेंगे तो उसमें डॉग की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो पब्लिक ने बहुत पसंद करी है, आप लोगों ने बहुत पसंद करी है. पुलिस मेरा जो अवार्ड है, मैं पुलिस में काम करते करते मैं राइटर भी हूँ. मेरी आज तक 5 नॉवल्स मेरी पब्लिश हुई है और मैं लास्ट ईयर 23 मेरे सर्जा एक नॉवल पब्लिश है, वो सर्जा नॉवल के लिए एज अ राइटर ये नॉवल मुझे मिला हो. मेरा सब नॉवल्स है जो रूरल फैमिली पॉलिटिक्स है, क्राइम स्टोरी पे है, सब मिक्स है. जो यंग जनरेशन है उसके ऊपर है. जो सर्जा जो नॉवल है वो जो पॉलिटिशियंस हाउ टू यूज द यंग जनरेशन, जो सिस्टम का यूज कैसा करके लेते हैं पॉलिटिशियंस, इसके ऊपर. My name is Jitendra Gadge from Ali High School and Junior College, Badlapur. Happy Children's Day to all of you. I would like to thank my parents. Because of them, I am here to celebrate this Children's Day. Children's Day is celebrated in India on 14 November to raise awareness, rights, education and welfare of children. A special message for all of me. In Marathi, this message is dedicated to my mom. She has not taught me this, but I want to give her a little surprise. So I would like to call my mom on stage. Ghaichi Seema Sunai Ki Seemavarti Ladte Angnat Raunari Ki Nantar Aukashala Bitte Ti Avrasar Karte Ti Lecture Kitte Dete Ti Thirakte Ti Bavate Ti Natsate Ti Gate ती जन्म देणारी, ती जन्माला पुरणारी, जन्मानंतर तीच ती उरणारी, ती सृष्टी व्यापणारी, ती असल्याने मी आहे, तरी जगताना तिचे नियम आहे. मी जे करायचे नाही त्याची यादी तू केलीस, मी जे करायचे नाही त्याची यादी तू केलीस. आई बहीण बायको मैत्रीण डोळ्यासमोर कान आणलीस, आई बहीण बायको मैत्रीण डोळ्यासमोर कान आणलीस. वेळ काही नसतं फक्त दिसतो वेगळे, वेगळं काही नसतं फक्त दिसतो वेगळे, तरी आमच्या बाबत तुमचे विचार मात्र वेगळे. निसर्गाने ठेवलाय तेवढाच फरक राहू द्या, निसर्गाने ठेवलाय तेवढाच फरक राहू द्या, बाकी सर्व बाबतीत खाली.
खांद्याला खांदा पेडूया, निसर्ग बाबतीत खांद्याला खांदा पेडूया, इकडून थोडा विचार कर मग कळे गंमत काय, कळे तुला इकडे तलाई बाई असण्याची किंमत काय, आई असण्याची किंमत काय, मृत्यूसाठी खूप पर्याय पण जन्म घेण्यासाठी एकच पर्याय ती म्हणजे आई. प्रत्येक मुलाने आपल्या आईला डोळ्यासमोर आणून आपले वागणूक बदलावे. थँक्यू सो मच. जय जय मान. मेरा नाम आहाना पंजाबी है, मैं मुंबई से हूँ. मेरे को बेस्ट सोशल अवेयरनेस फिल्म के लिए मिला है. आई एम 21 इयर्स ओल्ड राइट नाउ एंड आई एम वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ भारत नेशनल अवार्ड फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड. सॉरी, नहीं वर्क नहीं करती, पर जो मैंने फिल्म बनाया है इट्स अबाउट काइंडनेस एंड हाउ कैन बी गुड टू ह्यूमंस. जो भावनाओं का उद्रेक होता है तो अच्छी चीज भी होती है और बुरी चीज भी होती है. इस फिल्म में मैंने लीड कैरेक्टर किया है, कैरेक्टर का नाम है शरणम. तो शरणम एक ऐसा कैरेक्टर है जो बचपन से जो सपने देखता है, बड़े सपने देखता है, उसका एक सपना रहता है कि कम उम्र में आईपीएस बनना है. उसकी जर्नी दिखाई है गांव से लेके आईपीएस कैसे बनता है और आईपीएस बनने तक उसमें क्या क्या कठिनाई आती है और उसके लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, उसके बाद उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है. तो पूरी जर्नी हमने इस फिल्म में दिखाई है और इस फिल्म के हर फ्रेम बोलती है. हर फ्रेम एक मोटिवेशनल मैसेज, एक मोटिवेशनल एक डायलॉग्स हर फ्रेम में दिया है. और ये फिल्म और एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारी फिल्म मलेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है. तो ये फिल्म 2025 में रिलीज़ हो रही है. ये मराठी है और इंग्लिश सबटाइटल के साथ ऑल ओवर महाराष्ट्र में हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं. एक्चुअली एज एन एडवोकेट करते करते लाइक थिएटर मैंने ज्वाइन किया, बाद में एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइंस किए, फिर वन एक्ट प्ले किए, फिर नाटक ज्वाइन किया. ऐसे ऐसे करते करते मैंने टीवी एड्स किए हैं, मूवीज, सीरियल्स. मेरी खुद की बॉलीवुड कॉलिंग एकेडमी है, मॉडलिंग और एक्टिंग एजेंसी है, हम बच्चों को सिखाते भी हैं. तो मेरी जर्नी कम से कम 7-8 साल से मेरी जर्नी चालू है और आज मतलब एज अ प्रोड्यूसर और एज ए लीड एक्टर मैं लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहा हूँ. थैंक यू. एक फोटोज मुझे ये अवार्ड भारत नेशनल अवार्ड जो है 2024 बेस्ट सोशल मैसेज मूवी के बेस्ट डायरेक्टर. मेरी जो फिल्म है वो वुमेन सेंट्रिक मूवी है, वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और एक सोशल अवेयरनेस के ऊपर है, महिला और एक माँ और बेटी के कनेक्शन के ऊपर है कि माँ और बेटी के बीच में कैसा संबंध होता है और उसी के ऊपर ये फिल्म बनाया है. और एक सोशल मैसेज हमने देने की कोशिश की है कि आजकल का जो यूथ है वो गलत राह पे जा रहा है, उसमें उसकी माँ उसको कैसे सपोर्ट करती है सही राह पे लाने के. और मल्लिकार्जुन खरटमल फ्रॉम पोलिस डिपार्टमेंट. माला हा अवॉर्ड भेटला है स्पोर्ट्स कैटेगरी मधुन. मी सर्वप्रथम विक्रम सरांची खूप आभारी मानते की त्यांनी हा मला अवॉर्ड दिलेला आहे. आणि मी याच्यातून हाच संदेश देत आहे की प्रत्येकाने अचीवमेंट करावी जेणेकरून आपल्याला ॲप्रिशिएटची अशी थाप मिळेल. आणि विक्रम सरांचे मनापासून आभारी याच्यासाठी की त्यांनी मी खेळलेल्या विविध खेळाची आणि ह्याची तुष्टी करून मला हा पुरस्कार त्यांनी दिलेला आहे, त्याच्याबद्दल त्यांची मी खूप आभारी आहे. आणि फ्युचरमध्ये मुलींसाठी माझा एक संदेश आहे की प्रत्येक मुलींनी सेल्फ डिफेन्स शिकलं पाहिजे आणि प्रत्येक मुली डान्स क्लास इतर क्लासेस करण्यापेक्षा सेल्फ डिफेन्स हे केलं पाहिजे आणि त्याच्यातून आपल्या सेल्फ कॉन्फिडन्स वाढतो आणि येणाऱ्या काळात ज्या काही गोष्टी घडतात, क्राईम घडतात, त्याला एक प्रोत्साहन किंवा प्रोटेक्ट करायची आपल्यामध्ये कुवत येते आणि मुली प्रतिस्पर्ध्यांना किंवा प्रति हल्ला करू शके. नमस्कार, मेरा नाम सागर ज्ञानोबा वाघमोड़े, मैं नवी मुंबई से रहता हूँ और मुझे ये अवार्ड लीगल एंड साइबर क्राइम डोमेन में मिला है.
आजकल की दुनिया में जो साइबर क्राइम के जो अपराध बढ़ रहे हैं उस बारे में मैं अवेयरनेस में दिल्ली और मुंबई पुलिस के लिए जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड लीगल एडवाइजर का काम करता हूँ तो उस कैटेगरी में मुझे अवार्ड मिला है। लोगों के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि लोगों के लिए लोगों ने साइबर अवेयरनेस में ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करके साइबर डोमेन में अपना क्षेत्र बढ़ाइए और क्राइम से बचिए। धन्यवाद। मेरा नाम विजय मोरे है और मुझे अवार्ड मिला है सिंगिंग केस में। सिंगर मैं मोस्टली मोहम्मद रफ़ी जी के गाने गाता हूँ तो मैं दो लाइन आपको बताता हूँ। दिल का बैठ के बोलो दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। तीर निगाहें ना निशाना ढूंढेगा। मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। सो मेरा नाम है सुमित खंडागले और मुझे मिला है फिटनेस एंड मार्शल आर्ट्स इन्फ्लुएंसर 2024 का अवार्ड। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा भारत नेशनल अवार्ड 2024 को जिन्होंने मुझे इस अवार्ड से सम्मान दिया है और मेरे टैलेंट को पहचाना है। और साथ ही साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है हाई फाई सुमित HIGH SPACE FIVE SPACE SUMIT जहाँ पे मैं काफ़ी मार्शल आर्ट्स और फिटनेस के कंटेंट अपलोड करता हूँ और काफ़ी लोगों को उससे सिखाता हूँ। जो लोग को मैं रीच नहीं कर पाता हूँ पर्सनली उनको मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ और ऑनलाइन फिटनेस से अपने रील से उनको नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपना। और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा मैंने सेमिनार्स किए वुमेन सेफ्टी पे और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया है कॉलेजेस में सेमिनार्स में और स्कूल्स में जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वुमेन सेफ्टी के लिए आजकल का बहुत बड़ा इशू हो गया है वुमेन सेफ्टी। सो उसके लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को उसकी मदद हुई है उस सेमिनार के वजह से। सागर खंडागले मुझे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर कॉमेडी के लिए चुना गया है। थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरा चैनल का नाम है सागर राइडर फॉर लाइफ जो कि इंस्टाग्राम पे है। मैं कॉमेडी रील्स बनाता हूँ जो भी अपने यूजुअल प्रॉब्लम से उसके ऊपर मैं कॉमेडी रील्स बनाता हूँ। तो ये इसमें बहुत बहुत खुश हूँ ये अवार्ड को लेके और आप भी मेरे कॉमेडी रील्स देखिए और सब सपोर्ट दीजिए यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा भारत इंटरनेशनल फेस्टिवल और बहुत अच्छा रहा और थैंक यू फॉर विक्रांत मोरे साहब मुझे बुलाया मेरे हाथों से कुछ अवार्ड दिया एंड थैंक यू उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। सलीम साहब भाई मेरे को तो पता था कन्ने जी पहला है शो में आके मेरे को बहुत अच्छा लगा है देख के कि भाई इस लोगों के लिए इतना भी लोग सोच सकते हैं कर सकते हैं बताए देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं चैरिटी कमीशन के लिए मैं काम करता हूँ लोगों के लिए सोसाइटी बनाता हूँ NGO बनाता हूँ ये सब काम मैं करता हूँ। अरे कल्याण जी वेरी गुड गुड भाई कल्याण जी इज वेरी गुड। ऐसे आदमी का होना बहुत जरूरी है आज के दौर के अंदर गरीबों के लिए इतना सोचता है करता है इसके लिए तो बहुत अच्छा आदमी है साहब। थैंक यू। हाँ सर 28 को मेरा आप सभी के आशीर्वाद से दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मेरा होता है हर साल 24 तारीख को था लेकिन इलेक्शन का 23 को इलेक्शन का डिक्लेरेशन है मतलब रिजल्ट है इसलिए 23 को था 24 को मेरा शो था लेकिन हमने 28 किया है बहुत पहले से हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। तो 28 को दादा साहब फाल्के अवार्ड है और मुंबई पुलिस आइकॉन अचीवर अवार्ड और साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस अवार्ड ये तीन अवार्ड है
28 को बाकी तो मीडिया सब आएंगे। हाँ सर, मुंबई में दुबई 24 जनवरी, मेरा दुबई। थैंक यू, थैंक यू। पहले तो थैंक यू सो मच चाहूँगा कि आप मीडिया वालों को, इतना वक्त से आप लोग रुके हो, 3-4 घंटा हो गया, और हमेशा हर फंक्शन में देखता हूँ कि आप लोग लेट होने के बाद भी वहाँ पे होल्ड करते हो, दाद देने पड़ेगी आपकी वेटिंग की, हैट्स ऑफ यू सर। लेकिन इसके लिए कोई भारत सरकार कुछ अभियान चलाए, और अपने मेरे जितने भी मीडिया के भाई लोग हैं वो लोग इतने पैसे वाले बन जाए कि पॉलिटिशियन लोग उनके नीचे आ जाए। आज का शो, ये भारत नेशनल अवार्ड हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया था, इसका मकसद ये था कि जो सामाजिक मुद्दे पे जो फिल्में बनती है तो चुनिंदा फिल्मों को हम फेलिसिटेट करें, और हर साल हम लोग इसमें 14 फिल्म मेकर्स, 14 टीचर्स एंड पेरेंट्स और 14 सोशल एक्टिविस्ट को इसमें हम लोग अवार्ड देते हैं। ये हम लोग ने पूरे भारत देश में से 14 फिल्म मेकर चुने थे और 14 टीचर्स एंड स्टूडेंट चुने थे। नहीं, इसमें कैटेगरी तो 3 ही कैटेगरी थी, फिल्म मेकर्स कैटेगरी थी, टीचर्स एंड स्टूडेंट थी, और दूसरी जो कैटेगरी थी वो सोशल एक्टिविटीज की थी। अभी मैंने एक फिल्म बनाई है लव जैसा प्यार, जो फिल्म अभी शायद नेक्स्ट मंथ मेरी रिलीज होगी, वो ऑलरेडी उस फिल्म ने अभी 60-70 इंटरनेशनल अवार्ड्स ले लिए है और वो नेक्स्ट मंथ आएगी। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग काफ़ी वक्त से हमारा वेट कर रहे थे, और थोड़ा बहुत लेट तो होता ही अवार्ड शो में, तो आप लोगों ने इतना वेट किया, थैंक यू सो मच। और अवार्ड शो के बारे में बोलना चाहूँगी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स इंडिया के काफ़ी कोने कोने से आए थे, और उनको अवार्ड देते वक्त हमें भी बहुत अच्छा लगा, और ऑफकोर्स किसी भी चीज़ पर अगर हम किस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो वो हमें भी अच्छा लगता है, और सामने वाले जिनको अप्रिशिएट करते हैं उनको भी अच्छा लगता है। तो हमारा शो का मेन मकसद वही था कि जो भी फिल्म मेकर्स हैं उनको एनकरेज करें ताकि वो और नए नए मुद्दों पर फिल्म बना के हमारे पास सबमिट करें, और जिससे हम उन्हें उनके काम के लिए सम्मानित कर सकें। तो अवार्ड शो काफ़ी अच्छा गया, बाकी सर ने बता ही दिया है कि 14 फिल्म मेकर्स फ्रॉम इंडिया से हमने अवार्ड दिया, एंड 14 हमारे सोशल एक्टिविटीज थे जो अपने सोसाइटी के अलग अलग मुद्दों पर अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उनको हमने सम्मानित किया, और उसके साथ ही हमने 14 स्टूडेंट एंड टीचर्स कैटेगरी जिनके पास कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट है उसके लिए हमने उनको सम्मानित किया, तो अवार्ड देकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमारा काफ़ी अच्छे से अवार्ड हुआ। अवार्ड इसके लिए थैंक्स तो मैं तो उनका ऋणी रहूँगा, क्योंकि क्या है कि इस कमर्शियल बॉलीवुड की दुनिया में आज सामाजिक मुद्दे पर फिल्में बनाना, उसको रिकवरी करना उसके फिल्मों की, और ये सामाजिक मुद्दे की जो आवाज़ उठाने की एक बेस्ट मीडियम है सिनेमा, जिसका सही तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना इसमें सक्सेस होंगे ये डिपेंड उस पर करता है कि पब्लिक का इतना इसको कितना साथ मिलता है, क्योंकि ऑडियंस इसको इन ऐसी फिल्मों को साथ देनी बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसी फिल्में लोगों तक पहुँचे। लोगों का मुख्य करता है ताकि लोग अपने आज तक हमारा एक वर्कशॉप था या सेमिनार यहाँ पे जो था, तो इसमें मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी गंभीर था, जो अभी हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे थे, तो इसके ऊपर उन चीज़ों को समझे कि ये चीज़ें उनको क्या इश्यू हो रहा है, और मसला क्या है कि 50% लोग ये नहीं समझ रहे कि वो स्ट्रेस हो जाए, किसी दूसरा प्रॉब्लम लेकिन है उसके साथ, और वो चाह के भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे, इसके लिए उसको पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, सोसाइटल थॉट्स है या फिर कुछ इन्वायरमेंटल थॉट्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उन चीज़ों के ऊपर हम लोग वर्कआउट करते हैं, उन लोगों को उन प्रॉब्लम से या उन परेशानियों से बाहर निकालने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं ताकि वो वहाँ से निकल। सर, यहाँ पे जो नए टैलेंट आए थे उनको सभी को इतना अच्छा स्टेज दिया गया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि जितने भी कम एज के बच्चे जो इतने स्ट्रगलर है आज की तारीख में एक्टिंग में सिंगिंग में अपना किस्मत आजमाना चाहते थे, तो वो यहाँ तक पहुँचे, और मैंने देखा कि उन्हें यहाँ पे स्टेज दिए गए हैं, जो आज यहाँ सॉन्ग और बाकी चीज़ें लॉन्च हुई है काफ़ी अच्छी लेवल पर लॉन्च की गई है, और बहुत अच्छे से सभी को सम्मान दिया गया है।